नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे को बड़ी राहत। बेटे अब्दुल्ला को पैन कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। तो बड़ी खबर, जहां पर पैन कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे को बड़ी राहत मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे को बड़ी राहत। बेटे अब्दुल्ला को पैन कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे को बड़ी राहत मिली है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे को बड़ी राहत। बेटे अब्दुल्ला को पैन कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। तो सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे को बड़ी राहत मिली है। बेटे अब्दुल्ला को पैन कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बेटे अब्दुल्ला को पैन कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे को यह बड़ी राहत मिली है। तो पहले लगातार आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब कुछ राहत मिली है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे को बड़ी राहत मिली है। पैन कार्ड मामले में यह बड़ी राहत मिली है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ब्रजेश, सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत मिली है, इस मामले पर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले की गड़बड़ी के मामले में अब्दुल्ला आजम पिछले कई महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं, जो है अब्दुल्ला आजम हो, आजम खां हो, दोनों का ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ऐसा अपील किया था इसकी जमानत के खिलाफ जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए पिता पुत्र को अंतरिम जमानत तो पहले ही दे दी थी। तो शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे को बड़ी राहत। बेटे अब्दुल्ला को पैन कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। दिवंगत कल्याण सिंह का जिक्र करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि सपा कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन में नहीं आए। आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए तो ये बहुत ही निंदनीय, घृणित एक व्यवहार श्री अखिलेश यादव जी ने माननीय कल्याण सिंह को लेकर के किया है। और कांग्रेस ने भी, जब कांग्रेस की सोनिया हो, राहुल हो, प्रियंका हो, किसी ने उचित नहीं समझा इनके पीछे केवल एक वर्ग विशेष को वोटों के लिए प्रसन्न करना, तुष्टिकरण की राजनीति। कांग्रेस ने जिस तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर देश का बंटवारा किया और कहां से कहां तक पहुंच गई अब तक समझ में नहीं आ रहा। तो तुष्टिकरण के कारण एक वर्ग विशेष को, एक जात विशेष को खुश करने के लिए, क्योंकि माननीय कल्याण सिंह के कार्यकाल में तथाकथित विवादित ढांचा टूटा था, और ढांचा टूटा था में अयोध्या था। नैतिकता में इतने नीचे गिर जाएंगे वोटों के लिए? मुझे लगता है इसका जवाब 2022 के आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश की जनता देगी। और खबर है लखनऊ से, जहां यूपी में आज से खुले स्कूल। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के स्कूल खुल गए हैं। चार चार घंटे की दो शिफ्ट में क्लासेस होंगी। एक शिफ्ट में क्लास में बैठ सकेंगे 50% स्टूडेंट। इंटरवल में क्लास में ही करना होगा लंच। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई होगी। अभिभावकों की अनुमति के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा। स्कूल नहीं आने वाले बच्चे घर से ही पढ़ेंगे।
तो इंटरवल में ही क्लास में ही खाना खाना होगा। पांच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूपी में आज से स्कूल खुल गए हैं। लखनऊ की तस्वीर, वाराणसी की तस्वीर और गोरखपुर, कानपुर, मुरादाबाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। तस्वीरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जो तमाम कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जा रही है। और यूपीएसएससी ने पेट परीक्षा का आयोजन किया है। करीब 20 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश के सभी जिलों में 2254 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। 70,000 सीसीटीवी कैमरों से ये परीक्षा की निगरानी होगी। परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो प्रदेश के सभी जिलों में 2254 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 70,000 सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा की निगरानी होगी। परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो यूपीएसएससी ने पेट परीक्षा का आयोजन किया और इस पर हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी की एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज पेट का एग्जाम करा रहा है। लगभग 20 लाख अभ्यर्थी हैं जो इस एग्जाम में बैठेंगे। निश्चित तौर पर इस एग्जाम के बाद, जो पहला एग्जाम पास होने के बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी उसमें ही जो तमाम पद खाली पड़े, लगभग 30,000 पद हैं उत्तर प्रदेश में जिनके ग्रुप सी की जिनकी भर्ती निकलना है, जिससे पहले ये एग्जाम कराया जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में तो लगभग 2254 जो हैं सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें 20 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो एग्ज़ाम देंगे। इसके अलावा बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के 70,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो निगरानी रखेंगे कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी एग्ज़ाम के दौरान नहीं हो पाए। निश्चित तौर पर इस समय हम लखनऊ के एक सेंटर पर मौजूद हैं जहाँ पर अब से कुछ देर में दूसरी पारी का एग्जाम शुरू होने जा रहा है। पहली पारी सुबह 10 से 12 रही थी और अब 2-3 से 5 बजे तक दूसरी शिफ्ट में जो एग्जाम होगा, निश्चित तौर पर इसके को लेकर के तमाम सुरक्षा की व्यवस्था भी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो एग्जाम देने आएंगे अभ्यर्थी वो बाकायदा मास्क लगाए रहेंगे, कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करेंगे। इसके अलावा जो सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं। निश्चित तौर पर अब से कुछ देर बाद एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएगा और जो 30,000 पद हैं उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी के, उनके लिए ये जो सफल अभ्यर्थी होंगे वो चयनित होने के बाद में आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी समीर कंकी के साथ। और बधाइयों पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने न्यूज वन इंडिया से बात करते हुए कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। बीएल वर्मा ने कहा कि कल्याण सिंह उनके बहुत करीबी थे, उनके जाने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मंत्री बाबूजी के जाने से जहां पूरा देश शोक में है, वहीं जो है करीबियों की शोक की था नहीं है, कितना शोक है। आज हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी है, बहुत ही करीबी रहे हैं मंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के, हम बात करते हैं। जो शोक है पूरे देश के लिए, ये सबसे बड़ा शोक बीजेपी पार्टी को हुआ है, ये किस तरीका से भरा जाएगा? देखिए श्रद्धेय बाबूजी के जाने से पूरे देश को क्षति हुई है, पार्टी को क्षति हुई है, सभी समाजों को क्षति हुई है। मैं कह सकता हूँ कि उनकी जो क्षति हुई है उसकी क्षति पूरी नहीं की जा सकती, अपूर्ण क्षति है। और बाबूजी के जाने से न जाने उनके कितने लाखों समर्थक सदमे में हैं। और मेरे ऐसा व्यक्ति जो बाबूजी को अपना राजनीतिक गुरु मानता था, मेरे वो राजनीतिक गुरु थे, मेरे आदर्श थे, मेरे संरक्षक थे, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, सदैव उनका आशीर्वाद रहा है। और आज मैं कह सकता हूँ इस मुकाम पर पहुँचा हूँ तो बाबूजी का विशेष आशीर्वाद है। मंत्री जी, राम मंदिर को लेके कितने परसों पुराना मुद्दा था, उसे जो है वो देन जो है बाबूजी की थी, मार्गों को लेके जो चर्चा चल रही है ये कहाँ तक सही है? देखिए बाबूजी ने 464 साल पुराना ढांचा, बाबरी ढांचा जो कहते थे, 6 दिसंबर 1992 को ढाया गया, उसकी कीमत अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा करके चुकाई, उसे त्यागपत्र दिया। और मैं कह सकता हूँ जब जब राम मंदिर की चर्चा होगी, जब जब बाबरी ढांचे की चर्चा होगी, तो बाबूजी का नाम सुन अक्षर में लग गया है कि राम मंदिर अगर बना है तो बाबूजी का राम मंदिर में बहुत बड़ा योगदान है। ये अभी हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी थे, ये बहुत ही बाबूजी के करीबी थे। आज जो है देन है
मंत्री जी की देन है। आज वो केंद्रीय राज्य मंत्री बने हुए हैं। सबसे बड़ा शोक जो है परिवार को है ही, उससे ज़्यादा शोक जो है करीबियों को है। उसी में जो है एक गिनती जो है केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा जी की आती है। दूसरा जो है सपा पे भी जो है जब लगाया कि जो है ये जो है बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इसका जो है आने वाले समय में चुनाव में जो है नतीजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। न्यूज वन इंडिया पवन तोमर बिरुचि बताएं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर हमला। बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं आया अखिलेश, स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कहा गया। मात्र 1 किलोमीटर दूर माल एवेन्यू नहीं आया अखिलेश, कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोत में तो नहीं रोका अखिलेश को। पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को नहीं दी श्रद्धांजलि, यह स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कहा गया और अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा। तो बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं आए अखिलेश यादव, मात्र 1 किलोमीटर दूर माल एवेन्यू नहीं आए अखिलेश यादव, कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह तो नहीं रोका, मोह में तो नहीं रुके रहे, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को नहीं दी श्रद्धांजलि। तो स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। देखिए ट्वीट किया है अखिलेश जी, अपने आवास से मात्र 1 किलोमीटर दूर माल एवेन्यू में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आ सके, कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह ने उन्हें पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से तो नहीं रोक लिया। ये प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। और लखनऊ में 52 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज मदरसा शिक्षकों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की, वहीं रोकने के दौरान शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शिक्षकों को इको गार्ड पार्क भेज दिया गया। वहीं गुस्साए शिक्षकों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मानदेय नहीं मिला तो आर पार की लड़ाई पर मजबूर हो जाएंगे। और मेरठ के सिवाल खास विधानसभा से 2022 का बिगुल बजना शुरू हो गया है, जिसको लेकर आज प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव आज मेरठ के सिवाल खास क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां पर अमित जॉनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवपाल यादव अपनी पार्टी की सीट को मजबूत करने के लिए मेरठ पहुंचेंगे। करीब 10,000 लोगों की कार्यक्रम में बैठने की व्यवस्था की गई है। अमित का कहना है कि सपा बसपा और बीजेपी सरकार से लोग खुश नहीं हैं, इसीलिए चाचा शिवपाल यादव को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में बैठाने की तैयारियां की जा रही हैं। और मेरठ के पल्लवपुरम थाना इलाके के फेस टू से बीते रविवार दोपहर बच्चे के अपहरण और किसी कमरे में ले जाकर शरीर से खून निकालने का मामला पुलिस की प्रारंभिक जांच में छूटा निकला है। मामले में पल्लवपुरम इंस्पेक्टर का कहना है कि सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है, किसी भी बाइक सवार के बच्चे को ले जाने की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। और वहीं मिठाई विक्रेता के बेटे ने पुलिस को बताया था कि वो शाम 4 बजे अपने दोस्त के घर कॉपी लेने जा रहा था, इसी बीच एक बाइक सवार दो युवक उसके पास पहुंचे, दोनों युवक उसका अपहरण कर सुनसान जगह पर ले गए। साथ ही बच्चे ने बताया कि जिस मकान में उसे ले जाया गया वहां पहले से 2 बच्चे मौजूद थे, युवकों ने उसकी आंख पर पट्टी बांध रखी थी। बच्चे का कहना था कि युवकों ने उसके हाथ पर सिरिंज लगाकर खून निकाल लिया था। और खबर है मथुरा से, जहां पर 1.5 करोड़ रुपए की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने संदिग्ध लोगों को फोटो की जारी की है, संदिग्धों की पहचान करने वालों को इनाम मिलेगा। पुलिस की ओर से दिया जाएगा 25,000 रुपए का इनाम। 16 अगस्त को व्यापारी से 4 बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की थी। तो पुलिस ने संदिग्ध लोगों को की फोटो जारी की है। और खबर है ललितपुर से, जहां पर सपा जिलाध्यक्ष के भाई पुष्पेंद्र यादव को मारी गई गोली। अज्ञात लोगों ने मारी पुष्पेंद्र यादव को गोली, चुनावी रंजिश के चलते गोली मारने का आरोप है। गंभीर रूप से घायल पुष्पेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव, थाना जाखलौन अंतर्गत सैपुरा गाँव का ये मामला बताया जा रहा है।
तो थाना जाखलौन अंतर्गत सैपुरा गांव का मामला, सपा जिला अध्यक्ष के भाई पुष्पेंद्र यादव को गोली मारने का ये मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों ने मारी है पुष्पेंद्र यादव को गोली। और वही आगरा से खबर है जहां पर जहरीली शराब से मौत का मामला, पुलिस ने शराब के ठेकों पर छापेमारी की है। चार शराब ठेकों की सैंपलिंग की गई, बिस्रा जांच के लिए भी भेजे जाएंगे सैंपल। शराब से कोलारा कला गांव में 3 लोगों की मौत, शराब पीने से 4 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर हुई है। तो पुलिस ने शराब के ठेकों पर छापेमारी की है। जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया। बच्चा रह गई बहन जो 2000 दे जेब में धरे, बेचो बेचो बेचो। कल रात को करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि 3 लोग का संदिग्ध रूप से मृत्यु होना सूचना मिली थी। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचा है, सीओ और एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए थे। वहाँ सूचना के हिसाब से ये समझ आ रहा है कि रक्षाबंधन के टाइम पे और इसका एक दिन पहले कुछ लोग दारू पीने की वजह से 2 लोग का मृत्यु होना कलौरा कला में और एक गांव में बलपुरा गांव में 1 व्यक्ति का मृत्यु होने की सूचना मिली, तो तुरंत पुलिस जांच में जुटी है कल रात। और वाराणसी में बाढ़ के बाद अब डेंगू ने दस्तक दी है। काशीवासी अब डेंगू से लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। कबीर चौरा अस्पताल में डेंगू के 10 मरीज सामने आए हैं। टेम्परेरी डेंगू वार्ड में मरीजों का आना जाना शुरू हुआ। मंडली अस्पताल के SIC डॉक्टर प्रसन्न कुमार ने दी जानकारी। अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए सभी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। दिन भर में 400 से 500 मरीज OPD में देखे जा रहे हैं। तो टेम्परेरी डेंगू वार्ड में मरीजों का आना जाना शुरू हुआ है। मंडली अस्पताल के SIC डॉक्टर प्रसन्न कुमार ने ये जानकारी दी है। बाढ़ के बाद अब डेंगू ने भी दस्तक दी है। एक हमारे यहाँ डेंगू का वार्ड पहले से बना हुआ है जिसमें 10 बेड का है करीब, लेकिन वो इस समय फुल हो गया है। तो एक हमने कार्डियक 2 वहाँ पे करीब 10 बेड हमारे पास और हैं, उसको भी हम लोगों ने डेंगू के लिए ओपन किया हुआ है। इस समय तो करीब 20 बेड हैं, इस समय डेंगू के पेशेंट्स हैं ज़्यादा हैं और उनकी पूरी व्यवस्था दी जा रही है यहाँ पर। सर बात कीजिए, किन किन क्षेत्रों से डेंगू का सबसे अधिक पेशेंट आ रहे हैं, नहीं ऐसा कोई भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं क्लियर है कि यहाँ से ज़्यादा आ रही हैं यहाँ से कम आ रहे हैं। जी डेंगू हुआ है। क्या लगता है, सिम्टम क्या दिखे डेंगू? जी फीवर आ रहा था और ब्लड टेस्ट कम हो गया था। जी जी और प्रयागराज में बाढ़ के बाद डेंगू की दस्तक, जिले में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए हैं। बाढ़ के बाद बढ़ रहा है डेंगू का खतरा, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में मिले हैं 2 मरीज। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।